Hey friends, welcome back to educational channel by Ritashu. Previous videos में हमने पढ़ा समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक के कितने प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और फिर हमने पढ़ा समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। आज हम इसका पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हैं, ये देखिए। ऊपर चित्रों से अभिव्यक्त होता है, दवाई ली पर आराम नहीं हुआ, वह लेटा हुआ है क्योंकि अभी दवाई ली है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए दवाई ली। ये सब चित्र नंबर एक से समझ में आ रहा है, राइट। आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, दवाई ली है ताकि तबीयत ठीक हो जाए। अब चित्र नंबर दो में, चोरी करके भाग ही रहा था लेकिन पकड़ा गया, तेजी से भाग रहा था ताकि पकड़ा ना जाए, पकड़ा गया क्योंकि चोरी की थी, वही पकड़ा जाएगा जो चोरी करेगा। चित्र नंबर तीन में, बिस्तर पर लेटा है क्योंकि थक चुका है, आज थक कर चूर हो गया इसलिए लेट गया, उसने सोचा कि लेट कर आराम मिल जाएगा, यदि लेटेगा तो आराम पाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द ऐसे वाक्यों को जोड़ रहे हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात वे वाक्य या वाक्यांश स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे योजक या समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब परिभाषा क्या है, वे समुच्चय बोधक या योजक जो एक या अधिक आश्रित वे समुच्चय बोधक या योजक जो एक या अधिक आश्रित व अपूर्ण वाक्यों व वाक्यांशों को जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे पर, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, बल्कि, की, जो, तो आदि। Thank you so much for watching friends. Bye for now. Have a good day and take care.